तो दोस्तों ये देखें, स्टीम टरबाइन चल रही है इस समय, और ये जो है यहाँ पे जो बाल्ब लगा हुआ है, जो रिंग टाइप का गोल गोल जो है, इसे खोला जाता है तो यहाँ से स्टीम जाने स्टार्ट हो जाती है, और ये बॉयलर से स्टीम आ रही है इस पाइपलाइन द्वारा, और इस पाइपलाइन द्वारा जो है नीचे जो है इससे होते हुए गुजरती है। इसके अंदर रोटर लगा हुआ होता है, वो रोटर जो है स्टीम टरबाइन के प्रेशर से जो है घूमने लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें मीटर लगे हुए हैं जो इनका जो है पैरामीटर बताते हैं, जैसे स्टीम का जो है प्रेशर कितना है, लोड कितना है, यही सारी चीज़ें जो हैं ये मीटर जो है सब बताते हैं। और इसके बाद जो है इस साइड में दो कूलर लगाए गए हैं, इसके अंदर वायरिंग होते हैं, तो उन वायरिंग में जो है आयल चलता है, वो आयल हीट हो जाता है, उसे ठंडा करने के लिए है कूलर की आवश्यकता पड़ती है। तो इनके अंदर पानी चलता है, इनके अंदर से मतलब जो है पानी घूम के जो है निकलता है, और इसके अंदर आयल जो है ठंडा हो जाता है। और ये आरपीएम मीटर लगा हुआ है, इसका आरपीएम जो है बताता है, ये डिजिटल आरपीएम मीटर है। तो दूसरी साइड से अभी हम आपको दिखा रहे हैं जो स्टीम टरबाइन चल रही है उसकी स्पीड कितनी है, आरपीएम मीटर में भी जो है दिखाता रहता है कितनी स्पीड है। और यहाँ पर देखिए कपलिंग से गियर बॉक्स को जोड़ दिया गया है, यहाँ पर आरपीएम कम हो जाते हैं क्योंकि यहाँ गियर बॉक्स लगा हुआ है। और दूसरी साइड में यहाँ पे आप देखिए टरबाइन की स्पीड है, ये टरबाइन की स्पीड इस समय लगभग 3000 आरपीएम के आसपास है, और उसके बाद गियर बॉक्स से जो है जोड़ा गया तो इसकी स्पीड कम हो गई। उसके बाद ये जो नीला वाला गियर बॉक्स लगा है, इसके बाद और स्पीड को कम कर दिया गया है। तो इसके बाद जो है एक बहुत बड़ा गियर बॉक्स लगा हुआ है, ये वाला जो धीरे धीरे घूम रहा है, उसके बाद एक और बहुत बड़ा गियर बॉक्स लगा हुआ है यहाँ, उसके बाद यहाँ पे रोलर लगे हुए हैं, यहाँ से जो गन्ना आता है, गन्ने का जो मतलब जो है चूरा आता है छोटा छोटा सा, तो उसे यहाँ से जो है रस निकाल लिया जाता है। यहाँ ये चौथा मील है, और यहाँ से जो है आप देख सकते हैं ये यहाँ से बॉयलर के लिए चला जाता है झुकने के लिए, मतलब बॉयलर में जाता है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी स्टीम टरबाइन हम आपको दूर से दिखा रहे हैं, ये चल रही है, और जो है इस तरीके से कार्य करती है। इसे भाप का इंजन भी बोलते हैं, जैसे भाप का इंजन कहते हैं तो वही स्टीम टरबाइन होती है, और ये जो है इस टाइप की होती है। अब यहाँ से दूसरी साइड से अभी हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं थोड़ा सा हम कपलिंग के पास ले जाते हैं, यहाँ कपलिंग पास से अभी हम आपको दिखा रहे हैं कितनी स्पीड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पीड कम हो गई है, फिर इसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं और स्पीड कम हो गई है, उसके बाद ये दो है गियर जो हैं बहुत बहुत बड़े लगे हैं, तो और स्पीड कम हो जाती है। तो इस तरीके से स्टीम टरबाइन चलती रहती है, और रोलर को घुमाया जाता है, और उससे जो है गन्ने की पेराई की जाती है। तो इस तरीके से ये जो है टरबाइन कार्य करती है। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।